साल 2006 वो पल था जब पूरी दुनिया को मिला मीटू मूवमेंट। मीटू मूवमेंट को शुरू किया था अमेरिकन एक्टिविस्ट तराना बर्क ने। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। फिर पूरे एक दशक बाद अमेरिकन एक्ट्रेस एलिसा मिलानो ने अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में सोशल मीडिया पर आकर बयान दिया। उसके बाद क्या था, जंगल में आग की तरह ये मूवमेंट फैलता गया और अगले ही साल यानी साल 2018 को भारत का मीटू ईयर कहा जाता है, क्योंकि इस साल बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर पर उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। जी हाँ, तनुश्री ने बताया कि किस तरह से नाना पाटेकर ने साल 2008 में फिल्म हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करी थी। बस क्या था, ये खबर मीडिया में बहुत ही तेज़ी से फैली और ये मूवमेंट इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया। उसके बाद एक से एक बड़े और नामी ग्रामी नाम लोग इसकी चपेट में आते गए। यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर, जो कि एक वेटरन जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, भी इसकी चपेट में आए और उनके साथ काम करने वाली कई महिलाओं ने उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। हिंदी सिनेमा के मशहूर डैडी आलोक नाथ पर उनके साथ काम करने वाली उनकी कई को एक्ट्रेसेस ने उनके ऊपर रेप जैसे कई संगीन आरोप लगाए। कैलाश खेर, जो कि एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन हैं, उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपने साथ काम करने वाली महिलाओं को अश्लील तरीके से छूने की कोशिश करी। चेतन भगत, जो एक राइटर हैं पेशे से, लेकिन उनकी राइटिंग ही उनके करियर के आड़े आई, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कई महिलाओं को अश्लील मैसेजेस भेजे। इसी के अलावा फिल्म मेकर साजिद खान, सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य, रिटायर्ड जर्नलिस्ट गौतम अधिकारी, जर्नलिस्ट मनोज रामाचंद्रन, विनोद दुआ, म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जैसे बड़े और नामी ग्रामी लोग भी इस मी टू की चपेट में आए। लेकिन ये मूवमेंट शुरू से ही अंधेरे में रहा। कई लोगों ने जिन पर ये इल्ज़ाम लगा था इसे सिरे से नकार दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया। ना ही तो पुलिस की तरफ से कोई मदद मिली महिलाओं को और ना ही कोर्ट कचहरी की ओर से। इस साल अनुराग कश्यप पर मी टू लगा है। उन पर ये एलिगेशन लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है पायल घोष। हालांकि अनुराग कश्यप ने भी अपने ऊपर लगे इन एलिगेशंस को सिरे से नकार दिया है और उनका कहना ये है कि उन्हें सच बोलने की सज़ा दी जा रही है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के मामले में अनुराग कश्यप शुरू से ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे हैं और बेबाकी से अपनी बात सामने रखते आए हैं। इसी को आधार बनाकर अनुराग कश्यप ने अपने ऊपर लगे सभी एलिगेशंस को नकार दिया है और साथ ही साथ अनुराग को उनके साथ काम करने वाली कई को एक्ट्रेसेस और उनकी पहली दो एक्स वाइफ्स की तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिला है। यही कुछ वजह है जिनकी वजह से ये मूवमेंट कोई बहुत बड़ा एक सक्सेस नहीं पा पाया, लेकिन आगे ये मूवमेंट चलता रहेगा। देश दुनिया से जुड़ी हर खबर जानने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल हाउ इंडी के साथ और हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।